बड़कागांव प्रखंड के हरली में मोती की खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम इकाई का शुभारंभ स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद के हाथों किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण जामताड़ा एवं ओडिशिया ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा जन सहयोग चैरिटेबल राष्ट्र के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का ग्रामीणों ने ढोल बाजे एवं फूल माला पहनाकर पारंपरिक रूप से जोरदार तरीके से स्वागत किया। मोती की खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि किसान तालाबों में मछली पालन की तरह पानी की टंकी प्लास्टिक टब से भी मोती का पालन कर सकते हैं। किसान तालाबों में मछली तो पालते आ ही रहे हैं, पर अब वे इसमें सीधे मोती भी निकाल सकेंगे। साधारण विधि से मोती निकालने की ये अनूठी विधि यहाँ जानकारों द्वारा सिखाई जाएगी। उन्होंने मोती पालन सिखाने आए प्रशिक्षकों को सदृश मोती उत्पादन की बात कही। किसानों को समूह बनाकर खेती करने और अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी। इस मौके पर विधायक ने मोती की खेती से जुड़े कामों को भी देखा। ज्ञात हो कि मोती को तैयार होने में 12 से 14 महीने का समय लगता है एवं तैयार मोती 150 रुपये की दर से खरीद ली जाती है। विधायक ने कहा कि हर पंचायत में मोती का केंद्र खुले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा ताकि हर पंचायत के ग्रामीणों को स्वरोजगार प्राप्त हो तथा मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मौके पर मुख्य रूप से बड़कागांव प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे, सुरेश महतो, मुखिया कविता देवी, मोती केंद्र प्रभारी महेंद्र महतो, चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी रोहित प्रसाद राणा, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद शोएब, विक्की वर्मा, नीलम देवी, संतोष राणा, विजय कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। अरे आप तोड़िए ना पटाखे सही बात है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।